स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल DJ Vlogs कानपुर में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेरिंगर का क्रॉसओवर, जिसका मॉडल नंबर है सुपर एक्स प्रो CX2310। दोस्तों ये क्रॉसओवर जो है बहुत ही आसानी से चलाया जा सकने वाला है, कोई भी इसे बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और ये टू वे थ्री वे मोड पर वर्क करता है, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टू वे और थ्री वे मोड पर इसकी कैसे सेटिंग होती है, कैसे इसे कनेक्ट किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सारी नॉब्स के बारे में आपको बताएंगे कि इनका क्या वर्क है और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। सबसे पहले इनपुट का नॉब दिया हुआ है, जो एम्पलीफायर के पहले चैनल से, मिक्सर से जो पहला चैनल ए निकलता है, वो सीधे इसके यहाँ पर इनपुट होता है। इस जगह पर फर्स्ट चैनल के मिक्सर से जो आउटपुट निकलेगा इसके इनपुट में जाएगा। उसके बाद यहाँ से जिस फ्रिक्वेंसी में आपको बांटना है, बेस चलाना है, तो यहाँ से एम्पलीफायर में आउटपुट देंगे, टॉप के लिए यहाँ से देंगे। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो उसका पहले इनपुट का ये गेन नॉब है। उसके बाद ये जो नॉब है, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट नॉब है। अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी सही से हो गई तो आपको क्रॉसओवर चलाना समझिए आप सीख गए। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, इसको हमेशा यहाँ से 120 से 150 तक रखते हैं। अगर आपको डीजे में यूज़ करना है तो इसकी 120 तक रखेंगे, और आपको अगर लाइव में यूज़ करना है तो इसको 150 तक आप रख के इसको चला सकते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी में इसे सेट करने के बाद हमें ये लो का आउटपुट दिया है, जैसे बेस का जो हमें आउटपुट है यहाँ से सेट करना है। और उसके बाद टॉप या लाइन एरे में अगर जो आउटपुट आप देंगे उसे यहाँ से उसका अलग से गेन दिया हुआ है। तो यहाँ से सेट करने के बाद इन दोनों नॉब्स पे आप अलग अलग इसको आराम से लेवल में मिलाकर आप अपने साउंड को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका लो का, इसका आउटपुट और इसका जो दोनों का सॉकेट जो है पीछे से दिया है, ये देखिए लो का है और ये हाई का है। तो इस तरीके से यहाँ से इनपुट कराकर बेस के जो एम्पलीफायर में यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से टॉप के लिए कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपका वर्क करेगा क्रॉसओवर। अब इसके बाद ये आपको अलग से सबवूफर के लिए दिया हुआ है, इसमें भी आप कनेक्ट करके पीछे से सबवूफर को अलग से ऑपरेट कर सकते हैं बेस को, ठीक इसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले चैनल में आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से ये भी यूज होगा। अगर आपको स्टीरियो मोड में यूज़ करना है तो इसी तरीके से आपको चैनल ए के लिए ये सेटिंग जो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद ठीक उसी तरीके से एम्पलीफायर्स को अपने जितने भी हैं सबको स्टीरियो मोड पर लगा करके बैक साइड से, उसके बाद चैनल बी में इसकी सेटिंग जैसे ए में की थी उस तरीके से बी में इसको लगा करके कनेक्ट करके इसको आराम से आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी भी सेटिंग इसके बराबर बिल्कुल सेम इसकी करनी पड़ेगी, और इनका भी आउटपुट गेन जो है वो चैनल ए के बराबर रखना है, जिससे साउंड दोनों तरफ लेफ्ट और राइट अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों यही सेटिंग है टू वे स्टीरियो मोड की। मोनो मोड में हम क्या करेंगे, मोनो मोड में यहाँ से चैनल वन का इनपुट लेंगे, उसके बाद इसको बेस की फ्रिक्वेंसी यहाँ से सेट कर लेंगे जिस तरीके से आपको सेट करना है डीजे और लाइव के लिए। उसके बाद आउट जो बेस का आउटपुट ये है आपको बताइए, आपको बता दिया है मैंने।
उसके बाद इसका कोई वर्क नहीं होगा थ्री वे मोनोमोड के लिए। उसके बाद बेस आप यहाँ से चलाएंगे, उसके बाद जो आपको मिड फ्रिक्वेंसी चलानी होगी यहाँ से सेट करके, ये सेकंड चैनल के इनपुट में एक इनपुट यहाँ देना है आपको। उसके बाद यहाँ से ये देखिए मिड दिया है, मिड आउटपुट, यहाँ से मिड आउटपुट। और उसके बाद हाई आउटपुट के लिए जो आपकी ट्विटर हैं, हाईस हैं, उसको यहाँ से आप आउटपुट में डाल करके पीछे से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्रॉसओवर दोस्तों वर्क करता है। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत है। आगे से इसमें एल्युमिनियम से बॉन्डिंग दी हुई है, तो ओवरऑल इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने डीजे और लाइफ के लिए। इस क्रॉसओवर को ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसको यूज़ करने में आपको इसे ऑपरेट करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।